हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री से। हम हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे, कंपनी रूल। देखिए, हमारे भारत में कंपनी रूल कब इस्टेब्लिश हुआ, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस किस तरह से बढ़ा और उन्होंने किस तरह से ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर में भी अपनी रुचि दिखाई। ठीक है, तो कंपनी रूल्स हमारे भारत में कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसका उदय हुआ, देखिए। हमारे भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने आप को पहले इस्टेब्लिश किया बंगाल में। बंगाल में इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए, बंगाल में एक नवाब होता है और एक होता है गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, जो नवाब भाई साहब होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर बोले तो अगर इसको हिंदी में प्रोनाउंस करूँ, निजामत का काम, जो इनकी पब्लिक होती है, मतलब राजा की प्रजा होती है, गॉट इट, उसके लिए काम करना, उसको क्या कहा जाता है, पब्लिक वेलफेयर वर्क। ठीक है, जैसे कि हमारे मंत्रीगण करते हैं, आपके यहाँ पर MLA जो आपके लिए डेवलपमेंट बेसिस पर काम करते हैं, उसी तरह से पब्लिक वेलफेयर वर्क। ठीक है, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसके पास क्या क्या राइट्स थे, देखिए, उसके पास राइट्स थे, इसको हिंदी में बोला जाता है दीवानी राइट्स, गॉट इट। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं, जैसे मैं अगर इंग्लिश में बात करूँ, जस्टिस या फिर टैक्स की वसूली, ये काम कौन करते थे भाई साहब, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये करते थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव दो बार गवर्नर ऑफ बंगाल चुने गए और इन्होंने ही बैटल ऑफ प्लासी में के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक तरह से इस्टेब्लिश करा पॉलिटिकल मैटर्स पर। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव दो बार चुने गए, बाद में चलकर रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर करप्शंस के चार्जेस लगे और उनको इंग्लैंड में बुला लिया गया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है इंग्लैंड में ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे वर्क करे थे, जैसे कि हमारे लिए अच्छे वर्क नहीं करे थे, मैं पहले यहाँ पर रोककर आपको बता दूँ, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अच्छे वर्क करे थे। ठीक है, वो क्या क्या करे थे, एक तो यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर्स में सबसे पहले जो जड़ें मजबूत करी थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही करी थी। सेकेंडली, इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करा, एंड रॉबर्ट क्लाइव ही वो पर्सन हैं जिन्होंने पूरा का पूरा एक तरह से बंगाल को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक संधि साइन करी थी, उस संधि को हम नाम देते हैं अलाहाबाद की संधि। ठीक है, या फिर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ठीक है, ये भी किन्होंने करी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि इलाहाबाद की संधि क्या थी और कब हुई थी, कैसे हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, तो वहाँ पर आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कंपनी रूल कर रही है वो सारा का सारा किसके अंडर कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर, गॉट इट। ब्रिटिश सरकार ने ही तो भेजा था एक कंपनी को हमारे भारत में कि जाइए व्यापार कीजिए। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, मतलब ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने क्या करा, जब हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हमारे भारत में राज करना स्टार्ट करवाया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक्ट पास होते थे, वो एक्ट पास होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और लागू कहाँ किए जाते थे, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो एक फर्स्ट एक्ट पास हुआ जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ देखिए, तो जो पहला एक्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे, वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग ने लगभग 12 साल तक अपना कार्यभार संभाला, और इसमें निर्धारित करा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा इसका 5 साल का कार्यभार रहेगा, 5 ईयर्स का। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली 5 ईयर्स प्लानिंग चलता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हम लें, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लें, या फिर MLA का लें, अगर राज्यसभा को छोड़ दें तो लगभग सारे ही हमारे 5 साल का वाला प्लान है। चलिए, तो रॉबर्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे थे वैरन हेस्टिंग की। वैरन हेस्टिंग ने सबसे पहले तो जो अलाहाबाद है और कोरा, उसको सॉल्ट कर दिया, जो अवध के नवाब हैं उनको। और उसके बाद से इन्होंने, इनके टाइम में एक एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत हुई। और ये करी किसने थी, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, विलियम जॉन्स ने। कब हुई थी, 1784 में। और
वैरन हेस्टिंग ने सबसे बढ़िया काम करा कि जो बंगाल है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर अपॉइंट किए गए कलेक्टर्स कि जो बंगाल है उसको अच्छे से चलाया जा सके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया जा सके। तो ये काम इन्होंने बहुत ही अच्छा किया था यहाँ पर, ठीक है। 1781 में वैरन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास किया। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा तो आप नोट डाउन कर लेना, जो मदरसा एक मुस्लिम शिक्षा का प्रथम केंद्र होता है उसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी? वैरन हेस्टिंग ने। देखिए यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए एक तो बहुत अच्छा काम करा कि जो मदरसा है जहाँ पर मुस्लिम्स की बेसिक एजुकेशन दी जाती है उनको खोलने का काम किसने करा था? वैरन हेस्टिंग ने। लेकिन वैरन हेस्टिंग ने जो मुगल सम्राट थे उनको 26 लाख की पेंशन दी जाती थी, ठीक है। गॉट इट? कितने की पेंशन दी जाती थी? 26 लाख। ये जरूर याद रखना, फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 लाख की जो पेंशन है उसको बंद कर दिया और कहा कि ये फजूल खर्ची है एक तरह की और इसको हम अबॉलिश्ड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वैरन हेस्टिंग ने जो हमारी हिंदुओं की सबसे प्राथमिकता और सबसे होली बुक है गीता, उसको इंग्लिश में अनुवाद के लिए एक पर्सन को चुना जिसका नाम है विलियम विल्किंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलियम, यहाँ पर होगा मेंशन जरूर, चलो आप लिख लीजिए विलियम विल्किंस। कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मुझे हमेशा याद आ जाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टिंग दीवानी एंड फौजदारी अदालत, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है इन्होंने यहाँ पर दीवानी और फौजदारी अदालत स्टार्ट करी। दीवानी क्या करते थे? टैक्स वसूली। फौजदारी क्या करते थे? मतलब छोटी छोटी सेना की टुकड़ी बनानी शुरू करी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, ठीक है। लेकिन जो निजाम का कार्यकाल था वो कहाँ पर था? कोलकाता में। और सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट भी वैरन हेस्टिंग के टाइम हुई थी कलकत्ता में, और कहाँ कब हुई थी? 1774 में, ठीक है जी। और इनके टाइम में रोहिला वार्स हुए थे, रोहिलास वर्सेस अवध के नवाब, और कब हुए थे? 1774 में, ठीक है जी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी हुए थे इनके टाइम में 1776 to 86, और बाद में चलकर मराठा जब पराजित हुए तो एक ट्रीटी साइन हुई, इस ट्रीटी को नाम दिया जाता है सलबाई, ट्रीटी ऑफ सलबाई। ये ट्रीटी को संधि भी कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले कन्फ्यूज मत होना। एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिए, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी रूल, उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्ट क्राउन रूल पर, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन आवर इंडिया, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, दादा भाई नौरोजी जी हो गए, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, ठीक है। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ और माउंट बेटन प्लान क्या था, ठीक है। तो मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा और उसमें मैं आपको अब जब से हमने पढ़ना स्टार्ट करा था एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जितनी भी बैटल्स हुई, ठीक है, जैसे मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से लेकर जितनी भी बैटल्स हुई अंग्रेजों के टाइम में, वो बैटल्स एक ही क्रोनोलॉजी में मैं आपको करवा दूंगा, उससे आपकी जो हिस्ट्री है वो एक रिवाइज भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए अगला एक एक्ट पास होता है जिसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें क्या हुआ? इसमें जो हेस्टिंग है उसको हटा दिया गया, ठीक है। हेस्टिंग के जो हेस्टिंग पर आरोप लगे थे कि उन्होंने रिश्वत ली है, और ये रिश्वत के आरोप बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगे कि हेस्टिंग को उनके पद से ही हटा दिया गया। लेकिन बाद में चलकर जो ये रिश्वत के आरोप हैं वो साबित नहीं हुए। मैं ये आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली ये रिश्वत के आरोप किसने लगाए थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, इसने 1775 में वैरन हेस्टिंग पर रिश्वत का आरोप लगाया कि इसने एक विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपये लिए, लेकिन ये आरोप साबित नहीं हो पाए। बाद में चलकर नंद कुमार को इस झूठे आरोप के कारण फांसी की सजा भी दी गई, ठीक है। वैरन हेस्टिंग को एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने दो बुक्स भी पब्लिश करी जिसको कहा जाता है कोड ऑफ लॉज एंड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। कोड ऑफ लॉ, ये लिख लो, कोड ऑफ लॉ एंड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन थे जेम्स अगस्तस, ठीक है। इन्होंने 2 वीकली स्टार्ट करी, वीकली होती है जो हफ्ते में एक बार आती है, बंगाल गैजेट और कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली वीकली का क्या नाम है, तो आपने याद रखना है बंगाल गैजेट या फिर कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। इसको एक ही वीकली थी, इसको नाम दो तरह के दिए गए, दो नाम है इसके, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपने। और उसके बाद
वैरन हेस्टिंग के ही शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये भी किसके टाइम में हुआ था? वैरन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है जी, वैरन हेस्टिंग जो हैं उनके ऊपर जो आरोप हैं वो इन्होंने साबित नहीं कर पाए थे और इसी वजह से इनको फांसी हो गई थी नंद कुमार को, जो जैसे कि हमने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार्स भी इनके टाइम में हुए थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली की डेथ हो गई थी। हैदर अली टिप्पू सुल्तान के फादर थे और इस डेथ के बाद टिप्पू सुल्तान ने एक संधि साइन करी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, जिसको नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ मंगलूर। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है ट्रीटी ऑफ मंगलूर। ठीक है, डोंट वरी, ये जो बैटल्स हैं मैसूर की, चार बैटल्स हुई थी, ये मैं आपको बैटल्स में करवाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी बनाए रखनी है। ठीक है, जो बैटल्स हैं वो आपकी सेपरेट हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने क्या किया, जो कि अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। इनको सिविल सर्विस का फादर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सिविल सर्विस की शुरुआत करी थी हमारे भारत में। ठीक है जी, और इससे पहले एक टेम्परेरी भी बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वैसे तो उनका नाम नहीं पूछा जाता। अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, उनका नाम था सर जॉन मैकफर्सन। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले बने थे, सन जॉन मैकफर्सन। ठीक है, और ये कुछ ही समय के लिए बने थे, मतलब अस्थाई रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, लेकिन आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया, चलिए एक बार देखते हैं। कलेक्टर के जिम्मे जिले में समस्त अधिकार सौंप दिया गया लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने, और 1787 में जिले में प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया। ठीक है, दीवानी बोले तो टैक्स राइट्स भी किसको दे दिए गए, कलेक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद ही सेट अप कोर्ट एट डिफरेंट लेवल, इन्होंने जो कोर्ट्स होते हैं उसको डिफरेंट लेवल में सेट करा, रेवेन्यू का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जुडिशरी का सेपरेट बनाया। उसके बाद न्यू पुलिस सिस्टम भी इन्होंने इस्टेब्लिश करा 1791 में। उसके बाद जो सुपर फ्लोज पोस्ट थी, मतलब हाई पद थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उसकी पोस्ट को इन्होंने क्रिएट करा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके टाइम में थर्ड एंग्लो वार्स हुए, इसमें टिप्पू सुल्तान हार गया था, और टिप्पू सुल्तान ने हारने के बाद श्री रंगपट्टनम ट्रीटी साइन करी थी 1792 में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर टिप्पू सुल्तान ने इस ट्रीटी के साथ 2 करोड़ रुपया प्लस 2 सन अपने दिए थे, किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, टू सप्रेस द ब्राइबरी ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, इनको लगता था कि भाई जो रिश्वत है उसको कम कैसे करा जा सकता है, अगर हम अपने इम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा देते हैं तो जो इम्प्लॉयज़ हैं वो रिश्वत ही नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी एक ऐसे ही डिसीजन लिया था कि अगर हम अपने MLAs की सैलरी ज़्यादा कर दें तो वो काम भी एफिशिएंटली वे में करेंगे और उनके मन में या कहीं भी उनको रिश्वत लेने का ख्याल नहीं आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऐसा लगता था कि हाँ सही बात है कि अगर एक पर्सन को उसके काम के मुताबिक अगर सैलरी दी जाए तो वो रिश्वत क्यों लेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट करा इन्होंने बंगाल और बिहार में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक कॉर्नवालिस कोड भी लगाया गया, कि जो कॉर्नवालिस कोड क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, और इनको फादर ऑफ, एक चीज़ याद रखना, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर बार पूछ लिए जाते हैं SSC में। उसके बाद सर जॉन शोर ये बने नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई, इन्होंने नॉन इंटरफेरेंस की एक पॉलिसी रखी और इस पॉलिसी के तहत ये काफ़ी फेमस हो गए थे। ठीक है, और इनके टाइम में पहला चार्टर एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी, और इनके समय की प्रमुख समस्या क्या थी, जो फ्रांसीसी थे उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे। ठीक है, मतलब उनके काफ़ी इनका जो फ्रांसीसी हैं वो ब्रिटिशर्स को सर पर, मतलब उनकी पावर को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र की रचना कर रहे थे। ठीक है, और बैटल ऑफ खुर्दला खारदा खादरा, ये बैटल्स हुई थी निजाम और मराठास के बीच में। ठीक है जी,
तो ये सर जॉन शॉर को सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है, ही इज़ अ फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, गॉट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, वो रहे लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या क्या वर्क करा चलिए देखते हैं। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत करी। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सहायक संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहायक संधि, ठीक है, ये आपने लिख लेना है, ठीक है जी। अब सहायक संधि क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना। मान लो जैसे मैं राजा हूँ कहीं का, या मैं बंगाल का गवर्नर जनरल हूँ, ठीक है, मैं राजाओं को कहता हूँ कि या तो मेरे साथ युद्ध लड़ लो, या तो मेरे साथ सहायक संधि साइन कर लो। सहायक संधि क्या है? कि आप मेरे अंडर वर्क करोगे, गॉट इट, कि आप मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। सब्सिडरी लाइन्स में क्या होगा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपने कोई भी षड्यंत्र नहीं रचना, ठीक है। सेकेंडली, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक निर्धारित रूप से प्रेसिडेंट आपके अंपायर में एस्टेब्लिश होगा, मतलब एक नवाब है उसके यहाँ पर एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा और वो ब्रिटिशर होगा, ठीक है। थर्ड, आपको अपनी आर्मी मतलब अपनी सेना की ट्रेनिंग के लिए किसी और अन्य देश से किसी पर्सन को आप नहीं बुला सकते, ठीक है। चौथा, आप यूरोपियंस को एंटर नहीं होने दे सकते अपने राज्य में। पाँचवा, अगर आपको किसी के साथ युद्ध लड़ना है तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आपको सहमति देंगे कि आपको इस पर्सन के साथ युद्ध लड़ना है कि नहीं करना, ठीक है। मान लो जैसे हैदराबाद था जिसने पहला सब्सिडरी लाइन्स पर साइन करा, और मान लो हैदराबाद और मैसूर के बीच में युद्ध हो गया, जस्ट फॉर एक एग्जांपल के तौर में बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि वो हैदराबाद की तरफ जाएं या फिर मैसूर की तरफ जाएं, गॉट इट। तो सब्सिडरी लाइन्स में कुछ शर्तें थी, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के अंडर आना एक तरह का सब्सिडरी लाइन्स का साथ साथ नहीं होता था, और इसको हिंदी में कहा जाता था सहायक संधि। तो फर्स्ट ट्रीटी जो साइन हुई निजाम के साथ 1798 में, उसके बाद चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ, ये यहाँ पर टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई। टिप्पू सुल्तान की जो ये चौथा एंग्लो मैसूर वार था, इसका रीज़न यही था, जो टिप्पू सुल्तान है उसने मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि मैं कोई सब्सिडरी अलायंस पर साइन नहीं करूँगा, गॉट इट। तो यहाँ पर टिप्पू सुल्तान के साथ बैटल हुई, और इस बैटल में टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई, ठीक है। और टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद एक बहुत ही बड़ा मजाक हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक 3 साल के बच्चे को राजा बना दिया। टिप्पू सुल्तान की डायनेस्टी से पहले, मतलब टिप्पू सुल्तान के वंश से पहले यहाँ पर वुडियार डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। वुडियार डायनेस्टी का जो नेक्स्ट किंग था वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 साल का था, ठीक है। तो टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद जो दूसरी वंश था उसको, उसके साथ ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी लाइन साइन करा, वुडियार डायनेस्टी, और उसके 3 साल के एक राजा को यहाँ पर राजा नियुक्त कर दिया। तो एक बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि 3 साल का बच्चा राजा बना दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सेकंड एंग्लो मराठा वार भी किसके टाइम में हुए थे? लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम में हुए थे, और इसमें मराठा हार गए थे। उसके बाद मद्रास में प्रेसिडेंसी भी इन्हीं के टाइम में फॉर्मेशन की गई थी 1801 में, और ट्रीटी ऑफ बेसिन बिटवीन बाजीराव सेकंड एंड इंग्लिश, यहाँ पर जो मराठाज हैं वो बुरी तरह सरपास्ट कर दिए गए थे, और बाजीराव सेकंड ये पेशवा थे मराठाज के, और यहाँ पर मराठाज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ठीक है। मराठाज की पावर बिल्कुल ही निगलेक्ट हो चुकी थी, मतलब ख़त्म हो गए थे मराठाज, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मराठाज के जो बाजीराव सेकंड हैं इनको ये मतलब पेशवा होते हैं, जैसे मतलब क्या होता है कि जो पेशवा होता है ना उसके अंडर किंग्स चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, और उनके अंडर क्या है, 29 स्टेट्स के सीएम हैं, और 7 यूटी जो 5 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और 2 सीएम हैं दिल्ली और पांडिचेरी के, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के अंडर चलेंगे। ऐसी क्या होता था मराठास के अंदर, मराठास की जो पावर के अंडर क्या होता था, एक पेशवा होता था, और पेशवा कंट्रोल करता था पूरे पूरे मराठा रीजन में। जैसे मराठास में मान लो कि पुणे का कोई और किंग है, और अगर मैं बात करूं नासिक का कोई और है, तो अलग अलग जगह के प्रांत के अलग अलग किंग थे, लेकिन ये किसके अंडर थे, पेशवा के। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि पेशवा अगर यहाँ पर रहा तो पेशवा कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी कर सकता है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने जो पेशवा थे बाजीराव सेकेंड, इनको कानपुर में एक छोटी सी जगह है वहाँ पर भेज दिया, ठीक है, डिबॉट करवा दिया, और कि वो वहाँ से वापस ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में क्या हुआ। सर जॉर्ज बार्लो के कार्यक्रम महत्वपूर्ण घटना थी एक, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके टाइम में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी हुई थी इनके टाइम में, ये जो आपको याद रखनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें काफ़ी अंग्रेज सैनिक भी मारे गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड मिंटो वन। अब ये मिंटो वन जो स्पेशल प्रोनाउंस किया गया है, एक मिंटो थे, इनको कॉमनल का फादर भी कहा जाता था, लेकिन ये वो वाले मिंटो नहीं है, वो मिंटो आएंगे 1909 में, जब मैं आपको नेक्स्ट वॉइस रॉय वाला चैप्टर करवाऊँगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन मिंटो ने क्या क्या किया देखते हैं। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएँ क्या थी, एक तो महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी, इस ट्रीटी को कहा जाता है अमृतसर की संधि, जो कि 25 अप्रैल 1809 में साइन की गई थी, और इनके टाइम में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। इस चार्टर एक्ट के जो चार्टर एक्ट 13 था, इसके एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था एक मोनोपोली का, कि सिर्फ और सिर्फ वही हमारे भारत में व्यापार कर सकते हैं, उनसे ये व्यापार जो अधिकार है व्यापार वाला वो छीन लिया था। मतलब मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी अन्य कंपनी को भारत में भेजा, जाइए आप लोग भी व्यापार कीजिए, लेकिन यहाँ पर चाय में मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, सिर्फ चाय चाय में, बाकी हर तरह का व्यापार कोई भी आकर कर सकता है, ठीक है। और आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे जिन्होंने पंजाब में काफ़ी अच्छे से रूल किया। इनका जन्म हुआ था गुजरांवाला में, ठीक है, सन 2 नवंबर 1780 में, ठीक है जी। इन्होंने काफ़ी जगह को अपने अंडर कैप्चर किया, और जो गोरखा के किंग थे अमर सिंह थापा, इनको भी रणजीत सिंह ने हराया। अफगानिस्तान के शासक थे शाह शुजा जी, ठीक है, इनको भी रणजीत सिंह ने हराया। और ये अहमद शाह अब्दाली के पुत्र थे, अहमद शाह अब्दाली वही जो कि मुगल सल्तनत में आया था और कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया था। तो शाह शुजा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेंशन कर रहा हूँ मैं शाह शुजा, कुछ एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आप फटाफट नोट डाउन कर लिया करें। शाह शुजा ने रंजीत सिंह को हारने के बाद कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था, बाद में चलकर ये कोहिनूर हीरा कौन ले गए थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण करी थी, ये कब करी थी, 1719 में, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य फोर सूबे में बांट लिया था। फोर सूबे कौन कौन से थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर, यहाँ पर पूरा पूरा जो राज था वो रणजीत सिंह का था, ठीक है। फकीर अजीजुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे, जबकि दीनानाथ उनका वित्त मंत्री था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी नहीं भी, नाम आप काफ़ी सारे नहीं याद रख सकते, चलिए कोई बात नहीं। महाराजा रणजीत सिंह अपने आप को खालसा का सेवक मानते थे, और ये गुरु नानक देव जी को और गुरु गोविंद सिंह जी को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि इनके टाइम में गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्के भी चलते थे, ठीक है। अमृतसर की संधि जब हुई थी तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक रणजीत सिंह से संधि के दौरान एक एग्रीमेंट स्थापित किया था, कि जो अमृतसर की संधि में एक एग्रीमेंट था कि जो सतलुज नदी है उसके ईस्ट वाली साइड अंग्रेजों का अधिकार होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो अमृतसर की संधि थी उसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, कि जो ईस्ट पार्ट है सतलुज नदी का वो किसके अंडर चलेगा, अंग्रेजों के, ठीक है। 7 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो पंजाब वाला पार्ट है ये भी ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट पर, तो इनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए। देखिए सबसे पहली बात तो ब्रिटिशर्स के बीच भी एंग्लो नेपाली वार हुए, और यहाँ पर जो नेपाली वार थे वहाँ पर जो गोरखास रेजिमेंट थी उसको काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में ले आए थे। मतलब ब्रिटिशर्स ने नेपाली या गोरखास को काफ़ी बुरी तरह हरा दिया था, और यहाँ पर नेपाल के जो किंग थे उनको भी संधि में हस्ताक्षर कराने के लिए उन्होंने एक तरह से मना लिया था, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। लाहौर की संधि के अनुसार
अंग्रेज सेना को दिसंबर 1846 तक पंजाब से वापस चले जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये संधि भी किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड होस्टिंग ने जो नेपाली के राजा को हराया था, वो भी आपको याद रखना है, जो मैंने अभी रंजीत सिंह के साथ जिनकी बैटल हुई थी, अमर सिंह थापा, उनको हराया था। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुई थी, इन्होंने इंटरवेंशन एंड वार की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी किन के टाइम में क्रिएट हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, पिंडारी वार्स किन के टाइम में हुए थे? ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुए थे। ठीक है जी, और पिंडारी वार्स क्या था, इसमें पिंडारियों का बिल्कुल दमन कर दिया गया था। और पिंडारी के मुख्य राजा कौन कौन से थे? वासिल मोहम्मद, चीतू, करीम खान, ये पिंडारियों के मुख्य राजा थे। ठीक है जी, उसके बाद जो मराठास थे वो बुरी तरह से यहाँ पर पराजय हो चुके थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट से पहले एक अस्थाई रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, इनको आप याद कर सकते हो या नहीं, एक ही बात है, लॉर्ड एडम्स। ठीक है, ये बस सिर्फ और सिर्फ 1823 में अस्थाई रूप से चुने गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, इनके टाइम में क्या क्या हुआ देखिए। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध इन्हीं के टाइम में हुआ था, और इसमें एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान इन्होंने जो बर्मा की पावर को काफ़ी बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1826 में। ठीक है जी, और बैरकपुर में सेना का विद्रोह हुआ, स्पॉयल मिटिनी हुआ, वो भी किन के टाइम में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में। ठीक है, भरतपुर पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद जो आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ यादुम्बो ये 1826 में हुई थी, और ये किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश और बर्मा के बीच में। गॉट इट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, उन्होंने धीरे 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 पूरे भारत को अपने अंडर कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पोस्ट बदल दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और पहले पर्सन जो थे जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने का, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनको मोस्ट एनलाइटेंड लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने काफ़ी कुछ किया, देखते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है, मतलब इंग्लिश को हमारे भारत में लाने वाले बेंटिक ही थे। इंग्लिश तो आज भी हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन एक भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम हिंदी या फिर अदर लैंग्वेजेस। अगर आपको कम्युनिकेशंस अच्छे करने हैं पूरे भारत में, अगर आपको घूमना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अबॉलिश सती प्रथा का भी अबॉलिश और उसके ऊपर रोक भी किन्होंने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, राजा राम मोहन रॉय। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया था सती प्रथा का। सती प्रथा क्या होता है कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड की डेथ होगी, तो उसकी वाइफ को भी अपने पति के साथ अग्नि में जलना पड़ता था, तो ये बहुत ही एक शेमफुल एक्ट था, इसको बंद किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन रॉय ने। और भ्रूण हत्या, इसको भी काफ़ी हद तक लगाम लगाया था विलियम बेंटिक ने। और इनके टाइम में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, जो ठग लुटेरे थे उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक सप्रेशन किया था उनका, और ये किया था विलियम स्लेमन के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1833, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए थे, सभी तरह की मोनोपली, किसी भी तरह की मोनोपली इनके पास नहीं थी, चाहे वो चाय की हो या किसी भी चीज़ की। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनियों को भेजना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को ख़त्म करा जाए। ठीक है, और इन्होंने आगरा में अपना प्रोविंस बनाया 1834 में, और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी इंडिया की 1835 में इंग्लिश को। ठीक है जी, और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर जो कॉर्नवलिस के द्वारा प्रोविंशियल कोर्ट
और एक छोटे छोटे सेटअप चलाए गए थे, जैसे कि मैंने आपको कॉर्नवालिस में बताया था, वो इन्होंने अबॉलिश कर दिए थे, ठीक है। और अपॉइंटमेंट किए थे कमिश्नर्स के, जो कि रेवेन्यू और सर्किट के कमिश्नर्स थे। और क्या क्या किया देखते हैं हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किया। मराठा पेशवा बादशाह अकबर सभी वैसे तो सती प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इन्होंने ख़त्म करा था सती प्रथा को, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, शिशु बालिका हत्या, जो छोटे मतलब फीमेल जो मतलब लड़कियां होती हैं उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है। तो ये जो दो काम थे विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हैं सर चार्ल्स, इनके द्वारा क्या क्या हुआ था देखिए। सर मेटकॉफ या सर चार्ल्स मेटकॉफ, अपने एक वर्ष के संक्षिप्त कार्य में इन्होंने भारत में जो प्रेस है उसको फ्रीडम दिलवा दी थी। तो लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है इनको, कि भारत के अखबार अब कुछ भी छाप सकते हैं, ठीक है। इस तरह का इन्होंने एक काफ़ी अच्छा एक लॉ पास किया था कि अपने एक वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने प्रेस को नियंत्रण रूप से आज़ाद कर दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो रहे, इनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, और इनके काल में क्या क्या हुआ हम पढ़ते हैं। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध इन्हीं के समय में हुआ, और जिसमें अंग्रेज़ों को भारी क्षति में मतलब भारी शक्तियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक इस बैटल में लड़ना पड़ा था, ठीक है। और इसमें 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई गई थी, कोलकाता टू दिल्ली। ब्रिटिश संसद ने इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे भारत के बच्चे थे जो डॉक्टरी की परीक्षा करना चाहते थे, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते थे, उनको अनुमति दी गई थी लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, ठीक है। और कुछ काम हुए थे जैसे कि इरीगेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छे रूप में एक्सटेंडेड किया गया था, इनोग्रेटेड द फैमिली लीव, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो शाह शुजा एंड रंजीत सिंह के साथ जो ट्रीटी साइन थी वो भी किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा हुई थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने इनका नाम है लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो 2 साल तक ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इन्होंने इनके टाइम में क्या क्या हुआ, इनके समय में जो पहला एंग्लो अफगान युद्ध था वो समाप्त हुआ था, और इन्हीं के समय में 1843 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें दास प्रथा को ख़त्म करा गया था, दास प्रथा की समाप्ति करी गई थी, ठीक है जी। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ग्वालियर के साथ भी वार हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग ये बने थे अगले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनके समय में पहला सिख वार हुआ, और इस सिख वार के समय में जो सिख थे वो काफ़ी बुरी तरह पराजित हुए, ठीक है जी। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई कि जो नाबालिग प्रथा थी, नरबली प्रथा, मतलब जो बच्चों को फीमेल फॉस्टिसाइड्स थी उनको सही मानने में जो मंजूरी थी वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही मिली थी, ठीक है। और एक चीज़ और, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, ये लिख लेना। लॉर्ड डलहौजी अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1858 के बाद रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, और ये भी हम डिस्कस करेंगे आज अपने लेक्चर में, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन रहे। चलिए देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू करा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, इसको बहुत ही सही मानने में अगर हम हिंदी में बोलें तो विलय की नीति बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, या फिर व्यापगत सिद्धांत। अब व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होता, ठीक है, या वो राजा शादी ही नहीं करवाता, तो वो अपना जो राजपाट है ना तो अपने भाई को दे सकता, ना भाई के लड़के को दे सकता, ना बहन के लड़के को दे सकता, मतलब किसी को भी वो अपना राजपाट नहीं दे सकता। अगर उसका खुद का लड़का नहीं है तो इट मीन्स उसका जो राजपाट है वो सारा का सारा किसके अंडर चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है। तो पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू पहला राज्य कौन सा था जो ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया, वो था सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, फिर भगत, फिर उसके बाद
उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, यहाँ पर बगैर दो बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एक बार हम कट कर देते हैं। और इन्होंने जो टाइटल दिए गए थे राजाओं को उसको अबॉलिश कर दिया गया, जो पेंशन थी वो बिल्कुल ही बंद कर दी, जो पेंशन दी जाती थी राजाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिख वार इन्हीं के टाइम में, और यहाँ पर सिखों को पूरी तरह परास्त कर पंजाब को अपने अधीन बना लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और सेकेंड बर्मिस वार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, और एक एक्ट पास हुआ था चार्टर एक्ट 1853, ये कंपनी रूल का लास्ट एक्ट था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो सिविल सर्विस की जो रिक्रूटमेंट है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से स्टार्ट होगी, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना होगा, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई लोग यूपीएससी की करता है, कोई बैंक की करता है, या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करता है। बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही एक ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि जो सिविल सर्विस की आपकी जॉब है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही ली जाए, ठीक है जी। उसके बाद हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हिंदू विधवाएं होती हैं वो दोबारा शादी करवा सकती हैं, ये एक्ट का पास हुआ था 1856 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, ठीक है जी। उसके बाद पहली रेलवे लाइन भी इन्हीं के टाइम में बिछाई गई थी, इनको काफ़ी अच्छा से मतलब ये कहा जाता है कि जो ये रेलवे को उजागर करने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। पहली रेलवे लाइन भी इनके टाइम में बिछी थी, और दूसरी भी, पहली बॉम्बे टू थाने और दूसरी कैलकाटा टू रानीगंज, और टेलीग्राफ भी लाइन इन्होंने ही इस्टेब्लिश करी थी कलकत्ता टू आगरा। उसके बाद शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया इन्होंने, अंग्रेज़ों को गर्मी बहुत लगती थी शिमला में अपनी, ये जो समर होती थी तो शिमला चले जाते थे, विंटर होती थी वापस कलकत्ता। उसके बाद गोरखा रेजिमेंट को रेज्ड किया इन्होंने काफ़ी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं उनके समय में काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैं वो हमारे जो राजा हैं उनको पसंद नहीं आ रही थी। और लॉर्ड डलहौजी में जो डाक टिकट है उसका प्रचलन किया गया था, आपको मैं बताता हूँ, जो डाक टिकट है जैसे आप कहीं पर डाक भेजते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट भी रखा गया था, 2 पैसे, ठीक है, उस टाइम वैसे 2 पैसे की वैल्यू बहुत होती थी, लेकिन एक हमारे लिए तो आज की डेट में बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति थी उसका क्या क्या मेन कारण था। देखिए पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट किसके अंडर चला जाएगा, ब्रिटिश सरकार के अंडर, ठीक है। और सब्सिडरी लाइन्स, सब्सिडरी लाइन्स में भी क्या था कि भी ब्रिटिशर्स सब्सिडरी लाइन साइन करवा लेते थे और राजा अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता था, ठीक है, ना तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था, ना ही वो कोई डिसीजन मेकर था, कुछ भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सबसे बुरा काम यहाँ पर ये था कि ये रिलीजन इंटरफेरेंस बहुत करते थे। सेकेंडली रिलीजन इंटरफेरेंस के साथ साथ ये जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये सबसे बुरा था। और हमारे जो, देखिए मैं आपको आज भी एक चीज़ हम नोट डाउन करें तो, अगर हमारे देश में धर्म के ऊपर कहीं इंटरफेरेंस हो तो वो आज भी बर्दाश्त नहीं करी जाती, तो उस टाइम तो क्या बर्दाश्त करी जाती होगी, ठीक है। तो रिलीजन इंटरफेरेंस भी मेन कॉज था इस क्रांति का। चौथा था सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स बोले तो कि भाई इंग्लिश को हमारे ऊपर थोपा गया, कि भाई छोटे स्कूलों से लेकर बड़े स्कूलों में इंग्लिश को थोप दिया गया, ऊपर से जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज कर दी गई, पहले जो अकबर के समय में पर्शिया लैंग्वेज को मंजूरी दी गई थी कोर्ट्स में, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश को हर जगह से रखा गया था, तो ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। और फिफ्थ वन है स्पॉय म्यूटिनी, सैनिकों का विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह से ही स्टार्ट हुआ था 1857 क्रांति का एक बहुत बड़ा विद्रोह। स्पॉय म्यूटिनी क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हथियार दिए गए थे उसको चलाने से पहले छीलना पड़ता था, मतलब, और वो उस पर जो कारतूस जो दी गई थी उसमें जो पहले छीलना पड़ता था वो उस पर मांस लगा हुआ था सुअर और गाय का, ठीक है। तो आपको पता है हिंदू जो हैं वो गाय को अपनी माता मानते हैं और जो सुअर है वो इस्लाम में हराम है, ठीक है। तो इसी वजह से स्पॉय म्यूटिनी हुई थी कि जो हमारे भारत के सैनिक थे उन्होंने इसको चलाने से मना कर दिया था। और दूसरा कारण ये था कि जो ब्रिटिश सरकार के सैनिक थे वो हमारे भारत के सैनिकों को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, ये भी एक बहुत बड़ा मेन कॉज था। तो यहाँ पर शुरुआत करी थी मंगल पांडे ने, ठीक है, तो मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत करी गई थी स्पॉय म्यूटिनी की, और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी मेरठ से 10 मई 1857 में, ठीक है। इसके लिए मंगल पांडे को फांसी भी हो गई थी क्योंकि इसने हाई ऑफिसर्स को मार दिया था।
उसके बाद इस विद्रोह में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज शामिल थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विरोध किया, कुंवर सिंह ने बिहार में विरोध किया, बहादुर शाह ने दिल्ली में विरोध किया, नाना साहिब ने, इनको तो बहादुर शाह को तो म्यांमार में रंगून में छोड़ाए थे अंग्रेज। नाना साहिब ने अपने जो फादर का बदला लिया था कि जो उनको कानपुर में बैठा दिया था, क्योंकि इनके फादर क्या थे, पेशवा थे। उसके बाद तांत्या टोपे कानपुर में इन्होंने विरोध किया, बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ में विरोध किया। तो इस तरह काफ़ी विरोध हुए। और इस टाइम आपको याद रखना है, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइसरॉय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए रीज़न ऑफ फेलियर्स क्या रहे, मतलब 1857 की क्रांति एक आज़ादी की लड़ाई भी है, पहली आज़ादी की लड़ाई, इसका मेनली रीज़न क्या थे, क्योंकि ये छोटी छोटी छुटपुट जगह पे वार हुए, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जहाँ जहाँ पे ये बैटल हुई वहाँ वहाँ पे अंग्रेज़ों को बहुत ही बुरी तरह भगाया गया, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बैटल में बहुत ही जल्दी विजय प्राप्ति कर ली, और इस जो मतलब इस क्रांति को जल्दी से ही उन्होंने रिकवर कर लिया, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर सारी की सारी क्रांति ख़त्म हो गई और हमारा देश फिर से अंग्रेज़ों के गुलाम हो गया। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों के गुलाम कंपनी के रूल के नहीं हुआ था, क्राउन रूल के अंडर हुआ था, डायरेक्ट हम इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अंडर हो गए थे, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए मेनली रीजंस क्या थे, प्लानिंग नहीं थी, सेकेंडली वेपन्स नहीं थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अच्छे वेपन्स और जो फाइनेंस नहीं था उनको खरीदने का, ये मेन रीजंस रहे, ना ही सेंट्रल लीडरशिप थी, जैसे कि मैंने बताया कि छुटपुट जगह पे ये युद्ध हुआ था। और इसके बाद अफेक्ट्स क्या क्या हुए, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया ने अपना जो रूल है इंडिया का वो अपने हैंडओवर में ले लिया, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्म्स क्या क्या हुए वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को हटा दिया गया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हटा दिया गया, एंड सेकेंडली धर्म के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करी जाएगी, ऐसा इंग्लैंड की महारानी ने कहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, किसी जमाने में हमारे टीचर्स ने सुनाई थी हमें, कि देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, यहाँ पर जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा डिसीजन लिया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट यहाँ पे हीरो बन गई, मतलब जो महारानी थी इंग्लैंड की वो यहाँ पर हमारे देश के लोगों के लिए मसीहा के रूप में उजागर हुई। देखिए कैसे, जब 1857 में क्रांति हुई तो नेक्स्ट जब ये धीरे धीरे इस क्रांति को ख़त्म करा जा रहा था, तो एक लेख छपा अखबार में, और यहाँ पर लेख में इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि जो सभी हिंदुस्तानी हैं वो हमारे लिए हमारे इंग्लैंड के लोगों की तरह ही हैं, ठीक है, जो भी दुर्व्यवहार हुआ एक कंपनी के द्वारा कंपनी रूल के अंडर वो आगे से नहीं होगा, और जिस तरह के एक्ट लगाए गए थे वो हम बुरी तरह से खारिज करते हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, मॉडर्न एजुकेशन हो गया, और धर्म के प्रति जो इंटरफेरेंस है वो हम नहीं करेंगे। तो हमारे लोगों को लगा कि हमारे देश के लोगों को लगा कि भाई जो कंपनी थी वही गंदी थी, ठीक है, अब हम सही मानने में सही लोगों के हाथ में आए, लेकिन कौन जानता था गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को। तो आपने सभी की सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करना है, और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी या फिर हमारी साइट्स पर अपडेट हो जाएंगी। जब तक साइट्स पर अपडेट नहीं होती तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हो स्लीपी क्लासेस, बिल्कुल आपने इकट्ठा लिखना है स्लीपी क्लासेस टेलीग्राम में, और वहाँ पर आप इन वीडियोज़ की जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू क्लास।